Assalam-o-Alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू में सीख रहे हैं. Dear students, इस lesson में मैं बकायदा start करता हूं अपना section. पिछले lessons के अंदर मैंने आपको बताया था section क्या चीज है और उसके अंदर कुछ पैचीदा चीजें मैंने आपको बता दी थी. तो आइए dear students, अब हम बकायदा तौर पर एक प्रैक्टिकल उठाकर देखते हैं सेक्शन का. तो सेक्शन कैसे किया जाता है, क्या चीजें इसके अंदर होती है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं. तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स देखें, मेरे पास ये मैंने एक मैप आपके लिए ओपन किया. सबसे पहला काम तो आप इसको यूनिट्स अपने पास सेटिंग बना लें. मैंने इसको इंजीनियरिंग फिट्स और इंच और डी इंटर किया डायमेंशन के लिए. मॉडिफाइड इंजीनियरिंग फिट्स और इंच, ओके और क्लोज करते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो बात है वो ये है, देखिए मेरे पास ये एक लाइन ड्रॉ है. अब ये ऊपर की जानब है, इट्स मींस मुझे यहां से ऊपर का सेक्शन बनाना होगा. अब देखिए यहां पर इस तरफ नहीं है, बहरहाल ना हो आप दोनों तरफ अगर इसको लाना चाहते हैं इसी शेप को तो आप इस साइन को मिरर भी कर सकते हैं. मैंने इसको मिरर कर दिया है. मैं इसको बिल्कुल इसके मिडल पॉइंट से ऊपर की जानब लेके चला जाता हूं. तो देखिए मेरे पास दोनों तरफ ये शेप बनी आ गई है. तो अब मैंने इसके ऊपर की जानब बनाना है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां पे मैं, क्योंकि मैं कोशिश ये करूंगा एक लेसन के अंदर जितने ज्यादा मैं आपको कंसेप्ट बता सकूं उतने मैं आपको बताऊं. तो मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं इस सेक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं, यानी कि इसके अंदर कुछ मजीद चीजें मैं इधर ऐड कर देता हूं. तो मैंने इसको मूव की ऑप्शन लगा दी है यहां से और इसको भी मूव कर देता हूं. मैंने इसको पिक किया और मैं इसको कुछ यहां पे ले आता हूं, क्योंकि इसके अंदर अब क्या होगा, मेरी लाइन जो है अब यहां से एक विंडो से गुजर रही है, देन मेरे पास एक दीवार में से गुजर रही है, देन मेरे पास ये देखें फिर दीवार है और विंडो है. लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट में बनाना चाहूंगा जो कि इस मैप के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट, मेरा मकसद ये है मैं आपको ज्यादा इधर कंसेप्ट बता दूं कि सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, उनको किस टाइम पे आपने कैसे मैनेज करना है. तो मैं यहां पर एक डोर भी बना देता हूं जो कि इस मैप की, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं अगर आपके पास डोर की लाइन बीच में गुजरेगी तो आपने उसको कैसे क्रिएट करना होगा. तो इसी तरह से मैं इस लाइन को एक कलर भी दे देता हूं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस लाइन के अंदर रहकर कर रहे हैं, किस लाइन को हम फॉलो कर रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स ये रही मेरी लाइनें, सब कुछ आपके सामने है. अब मैं आपको एक मरतबा फिर बताता चलूं, हमें यहां में से हम विंडो में से गुजर रहे हैं, इधर से हम दीवार में से गुजर रहे हैं, लेकिन यहां से हमें सामने एलिवेशन नजर आ चुका है एक डोर का. देन इधर आ जाए लॉबी का डोर नजर आ चुका है. फिर हमें एक और, ये हमारा ओपन एरिया है, इसका हमें यहाँ पे विंडो दिखाई दे रही है, विंडो दिखाई दे रही है, फिर लॉबी दिखाई दे रही है हमारे पास. फिर एक दीवार में से ये मेरी लाइन गुजर रही है और अगेन यहाँ से दीवार में से गुजर रही है, लेकिन प्लस विंडो है. और यहाँ पे मैंने एक डोर खुद बनाया जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अगर बीच में डोर आ जाते हैं तो हम उनको कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे. तो डियर स्टूडेंट्स आए स्टार्ट करते हैं लेसन. अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं अपने पास एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं. ये जो लाइन है बेसिकली ये मैंने स्नैप से थोड़ी सी बड़ी इसलिए लगाई है क्योंकि मैं इसको सेक्शन में जो होता है बेसिकली आपके पास एक सिंपल छत और एक फर्श को आगे उठाकर लेकर आपने जाना होता है. अब ये जो मैंने डियर स्टूडेंट्स अपने पास लाइन लगा दी है, ये आपके पास फर्श कर लो, ये आपका रूफ है, आपका ये छत है. अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कंट्रोल एस कर देता हूं, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं अपने पास मैप की. तो मैंने इसकी कॉपी बना ली है क्योंकि ये मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूं, मैं अगर इन फ्यूचर कोई इसमें मुझे गड़बड़ नजर आएगी, प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको देख लूंगा, मेरे पास का रिकॉर्ड मौजूद होगा. अब डियर स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, अगर इसके एरो ऊपर की जानब है तो आपने ट्रिम की ऑप्शन लगानी है और इसको आपने नीचे से ट्रिम कर देना है. अगर इसके एरो नीचे की जानब होते तो फिर मैं इसको ऊपर से नीचे की जानब ट्रिम कर देता. तो अब मैं इसके जैसे ट्रिम कर देता हूं, तो देखें मेरे पास ये जो सेक्शन की लाइन है इससे बाहर जितनी भी चीजें हैं वो आपने खत्म कर देनी है. तो मैं इसको भी खत्म कर देता हूं, अगेन मैंने इधर खत्म कर देता हूं इन्हें. ये तमाम लाइनें खत्म हो चुकी हैं. अब आप इसे बेशक सिलेक्शन दे दें, मैंने इसको सिलेक्शन देकर हर एक चीज को यहां से डिलीट कर डाला है. अब देखिए ये मेरे पास एंड हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास इस चीज का भी एंड हो चुका है. तो ये तो आप जिसे मैंने इधर से खत्म कर दी है, मैं अपने आप थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ इस लाइन को,
और रहा हमारा टेक्स xvacating.com, इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, अपने पास एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये लाइन दोनों तरफ से बाहर होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इसको ऑफसेट दे देंगे। अब सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है हमारी जो बिल्डिंग है इसकी हाइट क्या है। जैसे मैंने आपको पिछले सन एनिमेशन के अंदर बताया था हमारे पास मुख्तलिफ हाइट्स होती हैं, उन्हीं में से मैं एक 10 फिट और 6 इंच की हाइट उठा लेता हूँ। अब आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ ऑफसेट दे दें, कंट्रोल एस कर दें। कंट्रोल एस इसलिए करना है, साथ साथ सेव करना है अपने काम को। ये आपने कर दिया, अब आप इसको एक्सेल लगा देंगे और वी लगा देंगे। यहां तक तो आपको मालूम है एलिवेशन के अंदर स्टेप वाइज यही हमने उठाए थे। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आपने सिंगल लाइन को क्लिक नहीं करना होता, आप जिस लाइन को कटा हुआ देख रहे हो उस लाइन को आप क्लिक करोगे। देखिए, ये मैंने इसको लाइन को कटा हुआ देखा, मैंने इसको क्लिक कर दिया। मींस के जहां से लाइन आपकी टच कर जा रही है, देखें अब इसको टच करके जा रही है, मैं ये बनाऊंगा, ये इसमें से गुजर रही है, मैं ये एरिया बनाऊंगा, ये एरिया बनाऊंगा, सामने वाले का एलिवेशन बनता जाएगा, जिसमें से गुजरती जाएगी उसका सेक्शन बनता जाएगा। अब आप इसको कंट्रोल एस करें और इन लाइनों को आप ट्रिम कर दें। ट्रिम कर दिया, सबसे पहले देखें डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या थी, विंडो थी आपके पास। आप विंडो बनाए, मैं एक लाइन यहां पे लगा देता हूं, इसको मैं ऑफसेट दूंगा। अब जमीन से ऊपर जो विंडो है वो आपने डिसाइड करना है आपके डिजाइन में क्या है। लाजमी नहीं है डियर स्टूडेंट्स 3 फिट हो, ये 2 फिट भी हो सकती है, 1 फुट 6 इंच भी हो सकती है। आप दाएं बाएं अगर आपने एक कितना से डाले तो आपको डिजाइन की समझ आ जाएगी, लेकिन यहां पर मैं इसको सिंपल 3 फिट से देता हूँ। मुझको इसके ऊपर 3 फिट लेकर जाना है और इसके ऊपर मैं इसको 4 फिट बना देता हूँ। कंट्रोल एस कर दें, इसके ऊपर आपको एक और ऑफसेट देना होगा 9 का। ये मैंने आपको बताया था मेरे पास आरसीसी बीम शो करने के लिए यूज किया जाएगा। अब आप एक लाइन लगा लें यहां से, इसको आप ऑफसेट दे दें 3-3 का दे दें, जैसे मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताया हुआ था, आप इसको ऑफसेट दे दे रहे हैं। कंट्रोल एस कर दें। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स में कुछ ऑप्शन में चेंज करने जा रहा हूँ, सिलेक्शन साइज थोड़ा सा बड़ा बनाने जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, आपके पास ये शेप बनी आ चुकी है। अब इसी तरह से वापस एक्सेल लगाएं और वी निकले आगे। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये क्या था, ये तो आपके पास दीवार थी, देखा आपने दीवार के अंदर विंडो बनाई है। अब विंडो के बाद आपने इसके ऊपर बीम शो किया है, क्योंकि ये आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसको काट कर, जब आप इस दीवार को काटेंगे आपके पास क्या होगा, सबसे पहले दीवार आए, छत होगा, फिर आपके पास दीवार आएगी, फिर उसके बाद आपका बीम आएगा, फिर आपकी विंडो आएगी, फिर आपके पास दीवार आ जाएगी। तो आगे निकलते हैं। अब ये इससे पीछे वाली चीजें आपको नजर नहीं आ रही है इस लाइन से, यानी कि ये जो लाइन है डबल लाइन, इनसे पीछे आप नहीं जा सकते हो, लेकिन यहां से आपको ये चीज सामने नजर आ रही है। जो चीज सामने नजर आएगी तो उसका तो आपने सिंपली एक क्लिक और ये दूसरा क्लिक ऑफसेट दे देंगे। 7 फिट की हाइट है, ये डोर है आपके पास, मैंने इसको बना डाला, ये देखिए कंट्रोल है, इसका आप इसे तो सिंपली आप इसे ये डोर बना देंगे। अगेन एक्सेल कर दिया, वी लगा दिया वर्टिकल लाइन के लिए, एक पॉइंट ये दे दिया, दूसरा पॉइंट ये। अब ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर आप यहाँ पर आ जाए अपने मैप्स के अंदर, तो ये आपके पास एक दीवार है सिंपल। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल दीवार क्रिएट कर दी है, तो इसको भी आप जैसे ट्रिम कर देंगे, कंट्रोल एस कर दें। ठीक है, और लाइनें खत्म कर दें, एक्स्ट्रा लाइन्स। अगेन अब देखें आपके पास ये इस तरह से दीवार बनी आ जाएगी। तो देन डियर स्टूडेंट्स, वापस आप एक्सेल इधर आ जाएं। अब यहाँ पे आपके पास ये लॉबी का ओपन एरिया है, इसको नाम ही बनाए तो ठीक है, लेकिन आपके सामने ये वाला आपके पास आपका डोर नजर आ रहा है। अब मैं ये जो डोर बना रहा हूँ, याद रखिएगा ये वाला डोर बनाने जा रहा हूँ, और यहां से देखें ये डोर नजर नहीं आ रहा, अगर आता तो थोड़ा बहुत हम वो भी बना लेते। तो अगेन मैंने एक लाइन इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, ऑफसेट दे दिया 7 फिट, और मैं इन कॉपीज में मिला देता हूँ लाइनों को। ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया, कंट्रोल एस कर दें, आपके पास ये ट्रिम हो चुका है। अगेन एक्सेल और वी लगा दें। अब डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें आगे, फिर आपको एक विंडो सामने नजर आ चुकी है। जब कोई चीज सामने नजर आएगी उसको फिर आपको सामने से क्रिएट कर देना है। ये रहा एक क्लिक इधर, दूसरा यहाँ पे, ऑफसेट देंगे आप इसको जमीन से पर 3 फिट का, मैंने इसको 3 फिट का ऑफसेट दे दिया। यहाँ पे मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ और इसके ऊपर मैं से 4 फिट सेकेंड ऊपर लेके चला जाता हूँ, और अगेन आप इसको ट्रिम कर देंगे यहाँ से। ये रहा, अब आप इसको ऑफसेट दे दें 2-2 का, सिंपली आप इधर एक विंडो का मार्क अपने पास शो कर दें और लाइनें ट्रिम कर देंगे, तमाम लाइनें आपस में एक दूसरे के साथ।
या फ्लिट कर सकते हैं जीरो के अंदर रह के, एक पॉइंट ये दे दिया, दूसरा ये ऑफसेट्स, वन लेफ्ट और वन राइट यहाँ पे, और मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ, इसको मैंने ट्रिम कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको ट्रिम कर दिया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये विंडो का मार्क बना हुआ आ चुका है यहाँ पे। अब इसी तरह से वापस आए, यहाँ पे मैंने डोर तो नहीं था, लेकिन डोर इसलिए बनाया, मैं आपको बताना चाह रहा था अगर हमारे पास डोर आ जाए सेक्शन के अंदर, वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, देखिए अब हमारी लाइन डोर में से गुजर रही है, एक्सेल और वी, आप एक लाइन लगा देंगे यहाँ पे, इसको ऑफसेट दे देंगे 7 फिट्स ऊपर की जानब, और डेफिनेटली डोर कीपर भी आपका बीम आएगा, और सीधी एक लाइन लगा के नीचे ले ट्रिम कर दें। यहां पर आप दो लाइनें भी लगा सकते हो, एक लाइन से भी डोर को शो कर सकते हो। तो आपके पास ये रहा, तो ये आपके पास डोर का मार्क आ गया, तो ये आपके पास विंडो का मार्क आ चुका है, और ये सिंपल आपके पास एक दीवार का मार्क है जिसके अंदर आपके पास कोई भी बीम वगैरह मौजूद नहीं है। वापस आगे आ जाए, अगेन एक्सेल वी, तो सेम टू सेम अब वापस ये चीजें रिपीट होने जा रही हैं। तो मैंने ये बनाया, तो क्योंकि मेरे पास विंडो ऑलरेडी बनी हुई है इस एरिए के लिए भी, तो इसलिए मैं इसको उठा कर इधर ले आता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ साथ में, अगेन इधर आ जाए, नेक्स्ट एक्सेल लगा दें और वी लगा दें, अगेन मेरे पास यहाँ पर एक डोर दिखाई दे रहा है इधर एंड इसका, तो यहाँ पे रहा ये एंड इसका, देखें अब नॉर्मल सदर इसके पीछे आ चुका है, अब डेफिनेटली इसको पीछे तो नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप एक्सेल लगाएंगे वी, ये इसको इस दीवार तक उठा कर लें। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, स्टूडेंट्स टाइम को सेव करने के लिए मैं इसी को ही उठा कर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा डोर, वापस आप आगे आ जाए एक्सेल, और अगेन आप इस दीवार में से गुजर रहे हैं, देखिए अब यहां पर जो है दीवार बिल्कुल डोर के साथ आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको दीवार बना देंगे, मैंने इसको ये दीवार बना डाली, कंट्रोल एस कर दिया, अगेन मैं ये तमाम चीजें डिलीट कर देता हूं और एक्सेल लगा देता हूं और वी लगा देता हूं, एक क्लिक यहां पे कर दें, दूसरा क्लिक यहां पे कर दें, आपके पास एक और डोर बना हुआ आ जाएगा। तो ये जो मैं कॉपी कर रहा हूँ डोर, डियर स्टूडेंट्स टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि आपको ये चीजें आनी चाहिए अभी, तो ये मैंने डोर्स को कॉपी किया है, ये मेरे पास मेरा डोर बना हुआ आ चुका है इस तरह से, अगेन एक्सेल और वी। अब ये मेरी क्या है, विंडोज की लाइन है, तो मैंने क्लिक किया कंट्रोल एस, ट्रिम कंट्रोल एस कर दें, अगेन एक लेके दे, दूसरा इधर ऑफसेट दे दें इसे 3 फिट्स पे, और इसके बाद उसे अगेन ऑफसेट दे दें 4 फिट्स पे, और ऑफसेट दे दें 9 पे। अब आप एक लाइन उठाएं, अब ये जो ऊपर 9 वाला ऑफसेट्स है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ये किस क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपके पास विंडो के बाद आपको फॉरन बीम बनाना होता है, तो इसलिए आप इस चीज़ को शो कर देते हो। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा होता है सेक्शन लगभग कंप्लीट, लेकिन इसे कुछ मजीद डिटेल्स है वो भी हम देखते हैं, कंट्रोल एस करें ऑफसेट दें। अब हमने सबसे पहले इसकी बनानी है फाउंडेशन, क्योंकि यहाँ तक जाकर ये ना तो अब आगे जा रहा है ना तो इस तरफ जा रहा है, तो फाउंडेशन के लिए इसको नीचे ले आए, मैं इसको ले आया हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दीवारें जब भी बनाई जाती हैं एक बुनियाद के ऊपर बनाई जाती हैं, फाउंडेशन के ऊपर बनाई जाती हैं, उनके लिए पहले खुदाई की जाती है, फिर उसके अंदर पत्थर रेत वगैरह डाल के उसको बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप मिडिल से एक लाइन उठाएंगे, अगर दीवार आपके पास 9 इंच की है, बुनियाद आपके पास 12 इंच की हो सकती है, 14 की हो सकती है, 18 इंच की हो सकती है, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ साइजेस देखने में आते हैं, तो आप इसे ऑफसेट दे देंगे, तो मैं यहाँ पर देता हूँ 9 इंच का मिडिल से लेफ्ट और राइट। ये ना समझिएगा मैंने अगर आपको यहाँ पर 18 इंच बताया तो आप यही समझे 18 है, नहीं मैं तो आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, एक काम करने का तरीका बता रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिकली अपने मुताबिक देखना होगा आपने क्या करना है। तो मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, यहाँ से मैंने इसको ट्रिम कर दिया, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम एक मार्क शो करते हैं, एक क्लिक और F8 को मैंने ऑफ किया, दूसरा क्लिक, तीसरा
चौथा क्लिक और ये पांचवा क्लिक, मैंने कुछ मैंने इसको क्लिक्स कर दिए हैं जी स्टूडेंट्स। इस मार्क का क्या मतलब होता है, एक तो इससे ये शो जाता है नीचे फाउंडेशन है, देन उसके बाद ये जो चीज जा रही है इसका मतलब होता है नीचे कंटिन्यू है, यानी कि ये जो नीचे आपके पास जा रही है क्या पता नीचे 5 फिट तक चली जाए, 3 फिट तक जाए, 1 फिट तक जाए, ये फैसला करने वाले वो लोग होंगे जो बिल्डिंग को जाकर उस जगह पे जमीन को बनाएंगे। अब फर्ज करें मैं एक डिजाइन आपको बना के देता हूँ, मुझे क्या पता आपके पास उसकी हाइट नीचे थिक विथ कितनी जा रही है, बहरहाल इस चीज का फैसला नहीं कर सकते हो। तो ये मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, मैंने अपडेट को कॉपी किया, मैंने इसको पॉइंट दे दिया है और एक क्लिक, दूसरा क्लिक, मैं इसको तीसरा क्लिक भी दे देता हूँ यहाँ पे और मैं इसको चौथा क्लिक भी दे देता हूँ, कंट्रोल एस कर देते हैं और ये मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए जितनी भी दीवारें थी, याद रखिएगा दीवारों के नीचे आपके पास बुनियाद होती है, आपके पास जो रूम होता है उसके नीचे बुनियाद नहीं होती है, उसके नीचे सिर्फ जमीन होती है जिसको हमने मजबूत किया होता है मुख्तलिफ मटेरियल डालने के। ठीक है, तो ये रहा आपकी बुनियाद, यानी कि नीचे आपके पास आपकी फाउंडेशन जा रही है। उसके बाद कंट्रोल एस कर दीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर इसके अंदर जो चीज आती है वो आपका एक और ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीसीसी। अब पीसीसी क्या है, आपका ये प्लेंथ लेवल होता है, इसको आप ऑफसेट दोगे, यहाँ पर मैं इसको 2 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ, मैं यहाँ पे से बना देता हूँ। अब मैं इधर ट्रिम कर देता हूँ तमाम, यहाँ से इसको मैं ट्रिम कर दूंगा, मैंने ट्रिम कर दिया, ट्रिम किया, ट्रिम कर दें और ये ट्रिम कर दें, ठीक है, कंट्रोल एस कर दें। फिर उसके बाद आपका पीएल होता है, यहाँ पर प्लेंथ लेवल आ एक पीसीसी होती है, एक प्लेंथ लेवल होता है आपका, वो भी आप दे सकते हैं, और नीचे आपका जो होता है ये आपका ग्राउंड लेवल होता है, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होती है। देन ऊपर आ जाए छत के पर, मैं यहाँ पर इसको एक और ऑफसेट दे देता हूँ तकरीबन 6 इंच की थिकनेस, क्योंकि मेरे पास जो मेरा छत बनेगा उसकी मुझे यहाँ पर हाइट बतानी है, यानी कि उसकी मुझे मोटाई बतानी है। फर्ज करें मैंने इसको 6 इंच रखा, अब आप इसको एक पॉइंट दे यहाँ पे और इधर दूसरा पॉइंट दे दो। अब आपने देखना होगा कि आप कितना बाहर जा रहे हैं यहाँ से, मैं इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। आपने ये देखना होगा आप यहाँ से एंड से बाहर कितना जा रहे हो यहाँ से, ठीक है, यानी कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं, आपकी जो रूफ की लाइनें हैं वो होनी चाहिए इस मैप के अंदर, नहीं है लेकिन ये तो बाउंड्री लाइंस है। आपको ये देखना होगा आपका निकासा कहाँ तक जा रहा है, तो ऑफसेट दे दें इसे। फर्स्ट करें मैं इसको 18 इंच रखता हूँ अपने पास, 18, 1 फुट 6 इंच, 1 फुट 6 इंच, और मैं इसको डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ और मैंने इसको डिलीट कर दिया, अगेन मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ और मैंने इसको डिलीट कर दिया। एक तो आपके पास ये सिंपल डिज़ाइन शो किया जाता है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर आपको डिज़ाइन बनाना हो आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। ये चीज़ें तमाम मैं आपको डियर स्टूडेंट्स पिछले लेसन के अंदर बता कर आ चुका हूँ, आप इसको एक्सप्लोर कर दें, एक 18-18 इंच का बॉक्स बना लें, उसको एक्सप्लोर कर दें, ऑफसेट दे दें 3-3 इंच का। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके लिए आपको एलिवेशन के लेसन को केयरफुली देखना होगा, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ को दोबारा से रिपीट करूँ तो बहुत मुश्किल है। 1, 2, 3, 4, 5 ए आर्क, मैंने पॉइंट लाइन ली है, वापस मैं इसको एल लाइन दे देता हूँ, तो ये मैंने पॉइंट लाइन से ये डिज़ाइन बना डाला जो कि मैं आपको एलिवेशन के लेसन के अंदर अच्छी तरह से बता कर आ चुका हूँ। अब दूसरा जो डिज़ाइन होता है वो ये है, क्योंकि वहाँ पर हमने ये बनाया था, इसको आप अगेन कॉपी करें, सॉरी इसको आप ऑफसेट दे दें 6 इंच का ही, मैंने इसको 6 इंच का ऑफसेट दे दिया है और आप उसको ट्रिम कर सकते हैं लाइनों को यहाँ से इधर, और इसी तरह से अगर मैं इन लाइनों को आपस में मिलाना चाहूँ तो मैं मिला भी सकता हूँ इनको आपस में। देखें अब अगेन आप मिरर को मिरर कर देंगे, आप अपने रूफ का सेंटर पॉइंट पिक करेंगे, आपको ढूंढना होगा, मैंने पिक किया, फिर क्लिक कर दें, ये आपके पास आ चुका है यहाँ पे। अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ आगे, तो ये रहा मेरा रूफ का। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों जब आप इसको काटते हो तो आप इसको फुली काट कर आ रहे हो, हर एक चीज को आप यहाँ पर काट कर आ रहे हो, जब हर एक चीज आपके पास कटती जाएगी तो आप इसको यहाँ से भी काट देंगे, तो इसलिए मेरे पास ये शेप यहाँ पर कुछ ऐसे शो हो रही है।
ये आपके पास आ गया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कुछ इसके अंदर हैचेस वगैरह शो करनी होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। देखें, अगर मैं ये चाह रहा हूँ मेरे घर के हर 7 फीट्स के बाद मुकम्मल घर के अंदर बीम्स आने चाहिए थे डिजाइन के मुताबिक, तो फिर आपको क्या कर देना है, ये जो आपकी स्पेस है यहाँ पर भी आप इधर ये बीम बना देंगे, ये कॉपी कर दें इसे और इसी को आप अगेन प्लैंक एरिया पे लेके चले जाएंगे। देखें अब क्या होगा, ये टोटली घर के अंदर आपके पास ये बीम्स आ रही है। इस तरह से बास बिल्डिंग्स में क्या होता है, छत से ऊपर से नीचे कुछ आया होता है। अब वो कितना एरिया होता है, वो भी नियर अबाउट, आप इसे पॉइंट्स दे दें यहाँ पे, आपके पास वो भी नियर अबाउट 9 ही होता है, तो आप इसको 9 बना सकते हैं यहाँ से और ये ट्रिम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है ऊपर से नीचे भी आपके पास इधर बीम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आपके पास ये काम किया जाता है। तो इसके बाद ये स्टूडेंट्स आपको हैच वगैरह डिफाइन करनी होती है। अब हैच के लिए आपको क्या करना है, आपके पास आप एच इंटर कर देंगे हैच, और आपके पास ये पिक पॉइंट है, आपने इसको पिक पॉइंट देना है। जैसे देखें यहाँ मैंने इसको पिक पॉइंट्स दे दिया है और मैं इधर हैच के पर चला जाऊंगा, अदर प्री डिफाइंड में चला जाऊंगा। डी स्टूडेंट्स मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले लेसन के अंदर बताऊंगा कि आपको हैच किस किस्म की कहाँ पे देनी है। तो मैंने इसको एक हैच लगा दी, नजर नहीं आ रही है, स्केप किया तो स्केल को बढ़ा दें आप। मैं इसको देता हूँ यहाँ पर 12 का देकर देखता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था आपको आहिस्ता आहिस्ता स्केल बढ़ाना होगा। अब ये जो मिडिल वाला एरिया है ये आपके पास अर्थ एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जमीन वगैरह होती, जमीन होती है उसके अंदर आपने बरहान की होती है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसको एड पॉइंट लगा दें अपने पास, मैंने इसको एड पॉइंट्स लगा दिया है। अब आप इधर आ जाएं अगेन और अर्थ दे दें इसे, रिव्यू करके देखें सबसे पहले, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट दिखाई दे रही है तो आप इसे एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये जो ऊपर आरसीसी एरिया होता है इसके लिए आप क्या करते हो, अगेन हैच लगा दें आप इधर यहाँ पर सिंपल, यानी कि अगर आप इसको सिंपल हैच देना चाहें तो एक्सेप्टेबल है, तो ये भी चीज़ यूज़ की जाती है। इस तरह से आप इसके ऊपर भी दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था हमारा एलिवेट सेक्शन का लेसन, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ, सेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ आएगा सेक्शन क्या चीज़ है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हमने आपके लिए एक सीडी रेडी की हुई है जिसके अंदर मोर देन 200 सेक्शन है, एलिवेशन है, प्लान है, उसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, फाउंडेशन स्टाइल्स हैं जो आपके मैप्स के अंदर यूज होती हैं। अगर वो आप हमसे लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं 0343-901-7779 पे। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट्स आप मजीद मालूम और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको दे दिया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमसे इन वीडियोस की फुल DVDs हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमें किसी वक्त कॉल कर सकते हैं 0343-901-7779 पर। डियर स्टूडेंट्स अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।